सहस्त्रेषु मनुष्याणां हजारों मनुष्यात्माओं में कश्चित् सिद्धे यत्ति कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्ताम सिद्धानाम अपि यत्नकर्ता सिद्धों में भी माम कश्चित् तत्वतः वेत्ति मुझको कोई यथार्थ रीति जानता है। सहस्त्रेषु मनुष्याणां कश्चित् सिद्धे यत्ति यत्ताम सिद्धानाम अपि माम कश्चित् तत्वतः वेत्ति भावात् जन जन की पुण्यशील हजारों मनुष्यात्माओं में कोई एक सिद्धि के लिए अनवरत अर्थात लगातार यत्न करता है। नंबरवार यत्न करता सिद्धों में भी मुझको कपिल मुनि जैसा कोई एक सत्य सनातनी धर्म पिता साकार रूप में आए हुए निराकार शिव ज्योति को यथार्थ रीति जानता है। कोई कोई बिरले बच्चे हैं। कैसे बच्चे? बिरले बच्चे हैं। पोतों में कोई कोई है जो अपना पूरा पोता मिल दुर्योधन दुशासन अपने का भगवान बाप के सामने दे देते। सच्चाई से कुछ भी छुपाए बगैर तो भगवान बाप को क्या प्रिय है? गॉड ट्रुथ कहा जाता है। सच्चाई को ही गॉड कहा जाता है। सत्य ही शिव है। क्या शिव भगवान क्या है? सत्य ही शिव है। उसको क्या प्रिय है? सच्चाई। तो जो दिल खोल करके सारी सच्चाई बाप के सामने रख करके एकदम बच्चे के मुआफिक नंगे हो जाते हैं। बाप उन सच्चे बच्चों को प्यार करेगा या झूठे बच्चों को प्यार करेगा? सच्चे बच्चों को ज्यादा प्यार करता है। ऐसे सच्चे बच्चे सच्चे खंड जिसे सत्य युग कहा जाता है उस युग की स्थापना में सहयोगी बनते हैं और वो बच्चे बिरले हैं। कैसे बिरले? जैसे गीता में कहा मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः। हजारों मनुष्यों में वो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें थोड़े निकलते हैं जो यत्न करते हैं ताई के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग की सिद्धि। और यत्न करने वालों में भी कोई कोई निकलते हैं जो मुझे प्राप्त करते हैं। तो पहली पूरी के ब्राह्मण हैं उनका भी अभी मुख्य धंधा क्या होगा? ज्ञान का लेना और ज्ञान देना। ये भी सौदागिरी है ना, इसको सौदागिरी भी कहा जाता है। कोई ब्यार बिरला व्यापारी होगा जो इस सौदागर से सौदा लेगा। वो भी बिरला है ना। कोट में को में कोई में भी को बरोबर ये बात है तो ठीक है। मनुष्य लैंग्वेज के कारण वो सब बातें फिर आ रही है। बाकी बातें तो वो ही करते रहते हैं। क्या
क्या लैंग्वेज का फर्क होता है। जैसे रामायण में हिंदी में लिखा है तो क्या लिखा है, नरशास्त्र कोटन में को, भाषा बदल गई ना। गीता में क्या लिखा संस्कृत में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्यति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम। ऐसे भाषा बदल गई ना, बातें तो वही है। बाबा इस षष्ठी पर गुप्त रूप में आता है, और तुम बच्चों को गुही ते गुही ज्ञान सुनाता है। गीता में भी लिखा हुआ है ना, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम। जो असली धर्म है उसका तत्व गुफा में छुपा हुआ है। गुफा में अंधेरा होता है ना, तो सारी दुनिया में अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है। माया का पंप एंड शो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, ताकि भगवान गुप्त रह करके अपनी नई दुनिया की स्थापना कर सके। क्योंकि नई दुनिया में इतनी आबादी तो नहीं होगी ना, नई दुनिया में थोड़े मनुष्य होंगे, देवताएं होंगे ना। जैसे ये लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सतयुग में इन 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा तथा प्रजा थी, तो नई दुनिया की स्थापना में थोड़े होंगे ना, सारी दुनिया में से चुनी हुई आत्माएं, 500-700 करोड़ में से चुनी हुई आत्माएं, कोटों में से कोई और कोई में भी कोई। कहते भी हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्यति यतति सिद्धये, नर सहस्त्र कोटन में को। वो उस ज्ञान को सुनते हैं, और सुनने वालों में भी कोई कोई इसको समझ पाते हैं। जैसे तुम बच्चों ने नंबर बार समझा है, और समझने वालों में भी कोई कोई सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ये सब क्यों होता है, ताकि श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माओं को नई सतो प्रधान सृष्टि का सुख भोगने को मिले। दुनिया में सभी लोग समझें कि कौन कौन सी वो आत्माएं हैं जिन्होंने अच्छे से अच्छे कर्म किए, और कौन कौन सी वो आत्माएं हैं जिन्होंने खराब कर्म किए। श्रेष्ठ आत्माएं इस सृष्टि में सतयुग के आदिकाल का सतो प्रधान सुख भोगती है, और महापापी आत्माएं कलयुग के अंत में आकर के दुखी दुनिया में जन्म लेती हैं। जो गीता में भी कहा है, मूढ़ा जन्मने जन्मने, और मूढ़ प्रकृति की आत्माएं हैं। जो आध्यात्मवाद के ऊपर ध्यान नहीं देती है,
के अंदर क्या है उसे पहचान नहीं पाती है। भौतिक दुनिया की बातें बहुत जानती है, उसको कहते हैं भौतिकवाद, पंचभूतों का ज्ञान, शरीर की चीड़फाड़ का ज्ञान, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का ज्ञान। परंतु आत्मा के ज्ञान की तरफ, आत्मा के बाप परमात्मा के ज्ञान की तरफ किसी का रुझान शायद ही जाता हो। वो एडम आदम भारतीय सभ्यता में आज देव शंकर के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैनियों में उसे आदिनाथ कहा गया। वो आदिनाथ में वो परमपिता परमात्मा शिव संसार के सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। और घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में जन्म लेता है। ऐसी अज्ञान की घोर रात्रि कि जिसमें 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं तो भक्ति के अंधकार में डूबी हुई होती ही है, परंतु उनमें से जो चुनिंदा श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा के रूप में ब्राह्मण बनाता है, वो ब्राह्मण आत्माएं भी ईश्वरीय ज्ञान लेने के बावजूद भी 63 जन्मों के स्वभाव संस्कार के अनुसार याद की पूरी प्रैक्टिस न होने के कारण शूटिंग पीरियड में फिर अज्ञान के अंधकार में डूब जाती है। और इतना ही नहीं, जैसे गीता में और शास्त्र में गाया हुआ है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई, इसका मतलब 500-700 करोड़ में से थोड़े से ब्राह्मण निकलते हैं ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनने वाले। अपने जीवन को परिवर्तन में लाने वाले नंबर वार उन ब्राह्मणों से भी चुनाव किया जाता है, जो भगवान की गुह्यतम गुह्य पढ़ाई पढ़ते हैं, जिसके लिए गीता में बोला है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। गुह्य ज्ञान से भी गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। तो ये थोड़ी गुह्य बातें हैं बच्चों की बुद्धि में बैठने की। हाँ ये है, जल्दी से कोई की बुद्धि में नहीं आती है ये बात, क्योंकि आधा कल्प की भक्ति की हुई है। तो भक्ति के संस्कार, बुद्धि के भटकने के संस्कार जल्दी थोड़े ही छूट सकते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार समझना पड़ता है। तो देखो, जल्दी बुद्धि में न बैठने के कारण मनुष्य मझते हैं। और बाप ने भी कहा है कि बच्चे, तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार समझना पड़ता है। तो देखो, नंबर लगेगा,
तुम बच्चे हो, जानते हो, समझते हो कि बरोबर कोटों में को निकलते हैं। जो शास्त्रों में गाया हुआ है, नर सहस्त्र कोटन में को है, गीता में भी लिखा है ना, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यत् सिद्धये, हजारों मनुष्यों में, पुरुषार्थियों में कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, और कोई फिर उसमें प्राप्ति करता है। तो जब कोटि ही कोट हैं यहां बरोबर, कि देखो इस दुनिया में कितने करोड़ हैं, तो कोट कहेंगे ना करोड़ में। हाँ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, वो तो ईंटों का मंदिर बना ही देते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग का बिरला व्यापारी स्थूल धन कमाई के, और बेहद का बिरला व्यापारी क्या करते हैं, है एक से ज्ञान सुनते हैं। किस एक से? एक देहधारी से या एक आत्मा से? एक सुप्रीम सोल से ज्ञान सुनते हैं, और किसी की बात सुनता ही नहीं। कोई कितना भी समझाता रहे, बनाता रहे, बरगलाता रहे, उसकी बात मानेगा नहीं। देखो त्रिमूर्ति में कैसे बैठा हुआ है, लूज होके बैठा है, सबकी बातें सुनता है, धारण करता रहता है, एकदम कड़क होके बैठा है, एकदम कड़क, किसी की नहीं सुनता। तो देखो कोटों में कोई एक बिरला व्यापारी बेहद का निकलता है, जो एक बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जो रास्ता बताते हैं हेवन का, सिर्फ उन्हीं की बात सुनता है, है उन्हीं की बात पढ़ता है, उन्हीं की बात पे मनन चिंतन मंथन करता है, और कोई की बात सुनता ही नहीं। सारे पतितों को पावन करने वाले ईश्वर की डायरेक्ट संतान हो, कोटों में को में भी को, जो मैं जैसा हूं और जो हूं बिरले कोई मुझे पहचानते हैं। जो बिरले हैं वो यहाँ बैठे रहते हैं ना, बहुत बैठे रहते, परंतु सब एक तो एक रस थोड़े ही पहचानते हैं। ना ना, वो बिरला है जो पहचानते हैं, क्योंकि कोई बिरला ही पहचानेंगे और बरसा लेंगे, सारी दुनिया तो बरसा नहीं लेगी। जितना जितना जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वो ऊंच घर में जन्म लेंगे, वहां से फिर राजाई में आते जाएंगे। तुम जानते हो हम स्वर्ग के झाड़ देखेंगे, हमको पढ़ाने वाला कौन है ये भी बहुतों में समझ नहीं। बाप कहते हैं मैं बहुत साधारण तन में आता हूँ, इसलिए कोई समझ नहीं सकते हैं, कोई बिरला ही पहचानते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरे साथ में रहने वाले इन बातों को नहीं समझते, न समझ सकते हैं और न समझा सकते, सिर्फ कहते रहेंगे मुख से शिव बाबा इनके तन में है बस, परंतु इतने से तो कोई समझेगा नहीं, उनका ऑक्यूपेशन भी तो बताना पड़े। समझते हैं कि हाँ भगवान बाप तो बिंदी है, बिंदी है कि अलफ है, अलफ है, अलफ है, अलफ है। दुनिया का ज्यादा हिस्सा क्या समझता है भगवान को? बिंदी, बिंदी समझता है, लेकिन भगवान अलफ तो अलफ में आता है, सिर्फ निराकार।
उसका महत्व बुद्धि में बैठे तो बैठना बैठना न बैठना बराबर हो जाता है। जब तक वो साकार में प्रवेश न करे, और जिस साकार में पहले पहले ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करता है वो ही अलग है। अलग का पता ही नहीं है तो जैसे हीरो का पता ही नहीं है, जिनको हीरो का पता ही नहीं है वो जैसे जीरो हो जाते हैं। अलग के साथ जीरो लगाने से फायदा हो जाएगा।